दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अर्टिमा के बारे में। पीएलसी अर्टिमा का जिस हिसाब से प्राइस यहाँ डंप हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या प्राइसेस का जीरो हो जाएगा? एलेक्स ने सबको यहाँ बर्बाद कर दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप किस जोन में जाके अपना एग्जिट ले सकते हैं? कैसा आपको इसका फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा? क्या इसका बॉटम जोन रहेगा? प्राइस कहाँ तक राइज कर सकता है? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको यहाँ $5,897 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये 5,845 से लेके $6,042 के बीच में आपको देखने को मिलता है। मार्केट कैप इसका 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 1 मिलियन की देखने को मिलती है। 28% इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हुई है। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 4,15,000 देखने को मिलती है। अब देखिए, जो यहाँ पे प्रॉमिस था एलेक्स का कि क्वार्टर थर्ड में यहाँ जो मेंटर प्लान है पीएलसी अल्टिमा का वो बेचे नहीं जाएंगे, जिससे सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, पर अभी भी वो अपने पैकेज को बेच रहा है क्योंकि एलेक्स को यहाँ पैसा चाहिए। जैसे मर्जी यहाँ पे लोगों को वो लूटना चाहता है, तो अगर वो यहाँ पे फॉर्म बेचता रहेगा तो उसके पास पैसा आता रहेगा, इस हिसाब से एलेक्स की कमाई होगी। तो जब वो फॉर्म बेचेगा तो उससे यहाँ सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब मार्केट में यहाँ सप्लाई ज्यादा आएगी तो पीएलसी अल्टिमा की यहाँ डिमांड ही नहीं है, इसका प्राइस यहाँ डंप होगा। अभी देखिए, अगर हम यहाँ इसके मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये आपको 11 मिलियन देखने को मिलता है। तो अभी तो मार्केट में बहुत थोड़ी सप्लाई है, जब इसकी सप्लाई यहाँ बढ़ती जाएगी तब हो सकता है आने वाले टाइम में इसका प्राइस आपको जीरो होता हुआ देखने को मिले। अगर आपने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि ये एक स्कैम था। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पीएलसी अर्टिमा कॉइन आया कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका प्रोजेक्ट आया था प्लेटिनम कॉइन, और प्लेटिनम कॉइन के बाद आपको यहाँ पीएलसी अर्टिमा देखने को मिला। और जितना हाइक आप यहाँ अर्टिमा कॉइन का देख रहे हैं और अब आपके सामने पीएलसी अल्टिमा एक्स का आ रहा है, उतना ही हाइक आपको यहाँ प्लेटिनम कॉइन का भी देखने को मिला था। और जब यहाँ डंपिंग हुई उसके बाद से यहाँ प्लेटिनम कॉइन खत्म हो गया, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो देखिए, जब हम यहाँ अल्टिमा कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे उससे पहले हम यहाँ इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से आती है? प्लेटिनम कॉइन से। तो प्लेटिनम कॉइन के अगर हम अभी के इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको यहाँ 0.5 के रेंज में देखने को मिलता है। 3% का अपसाइड मूवमेंट है। और अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 2 मिलियन का देखने को मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कितना कम इसका मार्केट कैप है। और अगर हम इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, ये आप देख सकते हैं 1,35,000 आपको जो इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो देखने को मिलती है। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम में ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आपको अभी के डेट में प्लेटिनम कॉइन का कोई बायर ही नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास भी प्लेटिनम कॉइन पड़े हुए हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो अपने कॉइन को सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिन्होंने भी इसमें अपनी एंट्री बनाई उनके पैसे वेस्ट गए। और ऐसा ही चीज आपको पीएलसी अर्टिमा में भी देखने को मिलता है। उसका भी प्राइस एक पीक रेंज में गया और उसके बाद से जब डंपिंग हो रही है तो उसके भी बायर अभी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलते। आप सिर्फ अपने फॉर्म को यहाँ चेंज कर सकते हैं अपने कॉइन के। अब अगर यहाँ हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इसके जो सप्लाई है वो 5 मिलियन देखने को मिलती है। तो वही मैंने आपको दिखाया कि जो टोटल सप्लाई है अभी पीएलसी अर्टिमा की वो यहाँ पे आपको 11 मिलियन देखने को मिलती है। तो ये अभी मार्केट में आई नहीं है, धीरे धीरे जब मार्केट में सप्लाई आएगी तो उसके साथ आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर मैं इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बॉटम जोन से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ है, एक पीक रेंज में गया, इस रेंज में जाके यहाँ हाइक पैदा करी गई थी कि इसका जो प्राइस है वो $1,000 तक जाएगा, $500 तक जाएगा, पर उसके बाद भी आपको यहाँ मेजर डंपिंग देखने को मिली और डंपिंग के साथ इसका जो प्राइस है वो खत्म हो गया। ये जो आप यहाँ हाई रेंज देख रहे हैं ये तब का है जब यहाँ अल्टिमा कॉइन आया था। तो यही चीज आपको यहाँ जो अल्टिमा कॉइन में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएंट जो इनका है पीएलसी अल्टिमा एक्स वो अभी मार्केट में आ गया है। तो जब यहाँ पीएलसी अल्टिमा एक्स आ जाएगा फिर आपको वही मोमेंट जो आपने यहाँ प्लेटिनम कॉइन में देखा कि जब यहाँ पे न्यू कॉइन आया तो थोड़ा सा आपको हाई रेंज देखने को मिला, उसके बाद डंपिंग हुई। तो जब इनका न्यू कॉइन आया तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद फिर यहाँ डंपिंग आई। तो मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट किया था कि आप अपने कॉइन को यहाँ सेल कर लेना। तो अगर आपने उस टाइम में अपने कॉइन को सेल कर लिया होता तो अभी आप यहाँ लॉस में ना होते। आप लोगों ने सोचा होगा कि दोबारा से इसका प्राइस $1,00,000 में जाएगा, क्योंकि अभी जो दलाल है, जो एजेंट है, वो यही चीज ही प्रमोट कर रहे हैं कि आप यहाँ 5,000 का खरीदो, 1,00,000 का बेचो।
अभी अगर आप यहाँ दलालों की बात सुन के और ये सोच रहे होंगे कि इसका प्राइस 1 लाख को जाएगा तब आप यहाँ अपने कॉइन को सेल करेंगे, तो आपके इस कॉइन का प्राइस 0 के बराबर देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा प्लेटिनम कॉइन का जो हाल है, वही हाल आपको यहाँ पीएलसी अल्टमा के देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के डेट में देखिए आपके अल्टमा कॉइन को पूछेगा ही नहीं कोई। अगर आप यहाँ अपने पीएलसी अल्टमा की फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि पीएलसी अल्टमा से आप यहाँ पीएलसी अल्टमा एक्स को बाय कर सकते हैं, तो अगर वो चेंज कर लेते हैं आप जल्दी से, फिर आपको जो नेक्स्ट पंप है पीएलसी अल्टमा एक्स में देखने को मिलेगा, उस टाइम अपने कॉइन को आप अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। मतलब जो आपका यहाँ अल्टमा कॉइन में लॉस हो गया उसको आप यहाँ पे लॉस आपको बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ एक्स को पहले खरीदेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपका जो थोड़ा लॉस है वो आप यहाँ मिनिमाइज कर सके, पर यहाँ बड़ी चीज ये है कि स्कैम आपको यहाँ पीएलसी अल्टिमा में भी देखने को मिलता है, प्लेटिनम कॉइन में भी देखने को मिलता है, और जो पीएलसी अल्टिमा एक्स देख रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। ये एक चेन चलती जाएगी, जैसे स्टार्ट हुआ प्लेटिनम कॉइन से, फिर यहाँ पीएलसी अल्टिमा आया, फिर यहाँ पीएलसी अल्टिमा एक्स आएगा, और फिर यहाँ पे पीएलसी अल्टिमा प्रो आएगा। मतलब यहाँ जो कॉइन्स की फॉर्म है वो चेंज होती रहेगी, आपको यहाँ अपने कॉइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आप अपने कॉइन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो जो भी यहाँ पे देखे प्रॉमिस थे एलेक्स के, वो यहाँ पे अभी फ्लॉप हो गए हैं। एलेक्स ने बोला था जो हमारा यहाँ पे क्वार्टर थर्ड होगा उसमें मिंटिंग एकदम से स्टॉप हो जाएगी, सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे, और जो पीएलसी अल्टिमा का प्राइस है उसको हम यहाँ पे ग्रो करवाएंगे। एक होप होगा इसका प्राइस दोबारा से 1 लाख की रेंज में जाएगा, पर ये टोटली यहाँ फ्लॉप हो गया। और उसके बाद एलेक्स ने यहाँ पे बोला था कि आपको न्यू न्यू एक्सचेंज पे इसकी जो पीएलसी अल्टिमा की लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, पर अभी के डेट में इसके डीलिस्टिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्द ये बायबॉक्स पे भी डीलिस्ट हो जाएगा और आपको जो ट्रेडिंग है सिर्फ कॉइंसबिट पे देखने को मिलेगी। कॉइंसबिट देखिए एलेक्स के कंट्रोल में है, तो जितनी भी ट्रेडिंग होगी इसकी पीएलसी अल्टिमा की, चाहे पीएलसी अल्टिमा एक्स की, वो सब आपको कॉइंसबिट पे ही बेटर देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ ऑप्शन ही वही मिलेगा कॉइंसबिट, आपको वहीं पे अपनी जो ट्रेड है वो करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ मैंने आपको दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ दिखा दिया कि जैसे यहाँ डंपिंग के बाद ये खत्म हो गया, वैसे ही डंपिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो ये भी खत्म ही होने जा रहा है। इसका भी जो प्राइस है आपको वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे प्लेटिनम कॉइन का हो गया। अब देखिए अभी की अगर इसके हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे। यहाँ अगर इसके हम अभी करंट प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको यहाँ $6,000 के रेंज में देखने को मिलता है। प्राइस देखिए यहाँ दिन पर दिन डंप हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट बॉटम आपको यहाँ 5,000 का 3,000 का जोन देखने को मिलेगा, और ऐसे ऐसे करते करते इसका जो प्राइस है वो डंप होके खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए जो इनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है कॉइंसबिट का, जहाँ पे एलेक्स अपने मैसेज पास आउट करते हैं, और वहाँ पे आपको भी ऑप्शन मिलता है कि आप भी वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे एक्टिव रहें। जब यहाँ कम्युनिटी नेगेटिव हो जाएगी फिर एलेक्स अपने पैसे यहाँ डाल के फेक पंप करवाएगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है आपको इसी टाइप के जो स्कैम से होता हुआ देखने को मिलता है। जो दल्ले हैं अपने इंडिया के, वो क्या करता है कि वो एक मीट का टुकड़ा फेंक देता है उनके सामने, तो वो दल्ले उसी मीट के टुकड़े के लिए अपना ईमान धर्म बेच के और लोगों को यहाँ फंसाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ थोड़ा अवेयर होके चले। अभी के डेट में तो देखिए बहुत सारे मुझे व्यूवर भी मिल रहे हैं जो अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ न्यू इन्वेस्टर है जिनको यहाँ दलाल फंसा रहे हैं वो लोग उन बंदों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग भी यहाँ फंसे हैं पीएलसी अल्टिमा में उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपना एक जो मैसेज है जो भी लोग यहाँ न्यू इन्वेस्टर है उनके लिए छोड़ के जाएं कमेंट बॉक्स में, जिससे लोगों को पता लगे कि किस टाइप का ये प्रोजेक्ट है और क्या कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए जो कमेंट का ऑप्शन मैंने दिया वो दलों के लिए नहीं है, दलालों का मुझे पता है कि वो लोगों ने अपनी माँ भी दे रखी है, अपनी बहन भी दे रखी है, तो वो लोग वही कमेंट करेंगे जो उनके एलेक्स पापा कहेंगे। जो भी यहाँ पे जेन्युइन व्यूअर है, जो भी अपना जो इन्वेस्टर है जेन्युइन, उनका मैं रिव्यू यहाँ देखना चाहता हूँ। तो अभी के लिए देखिए यही अपडेट है कि जो पीएलसी अल्टिमा है इसमें अगर यहाँ फेक पंप आता है तो आप अपने कॉइन को सेल करते हैं, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ अपने अल्टिमा कॉइन को एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर आपको यहाँ एक हो सकता है, क्योंकि फेक पंप आपको अब अल्टिमा एक्स में देखने को मिलेगा, अल्टिमा कॉइन यहाँ खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉमिस थे एलेक्स के वो सब के सब यहाँ ढकोसले निकले, अब यहाँ पे जो डीलिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलती है पीएलसी अल्टिमा की। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।